हेलो स्टूडेंट्स, तो कल आपने किया था लॉगरिथम फंक्शन किया था। आज हम डिफिनेशन करेंगे किसके, पैरामेट्रिक फॉर्म्स की। तो पैरामेट्रिक फॉर्म्स क्या होती है, जो ना तो एक्सप्लिसिट फंक्शन है ना ही इम्प्लिसिट फंक्शन है। पैरामेट्रिक फॉर्म आपने 11th में किया था, स्ट्रेट लाइन कॉनिक सेक्शन के अंदर किया था। क्या कि एक पैरामीटर्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक पैरामीटर्स की हेल्प ले रहे थे हम। तो इसमें भी यही है कि पैरामेट्रिक फॉर्म एक मतलब एक्स और वाई तो वेरिएबल थे ही, तो अब तीसरा एक वेरिएबल आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, पैरामीटर, ठीक है। तो उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जैसे कि एक्स अलग गिवन है हमारे पास और वाई अलग गिवन है। तो एक्स और वाई गिवन कैसे है, एक्स तो गिवन है फॉर एग्जाम्पल एफ टी फॉर्म में, और वाई गिवन है फॉर एग्जाम्पल जी टी फॉर्म में। मतलब यहां पर जो एक्स अलग फंक्शन दे रखा है, वाई एक अलग फंक्शन दे रखा है, लेकिन ये तीसरा वेरिएबल कौन सा आ रहा है, टी। तो ये टी क्या हो जाएगा, पैरामीटर। टी क्या हो जाएगा, पैरामीटर्स। तो ये पैरामीटर्स जो कि आपने सॉल्व किए थे पैराबोलिक इक्वेशन के अंदर, सर्कल के अंदर पैरामीटर्स लेके आप सॉल्व करते थे, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो तीसरा वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। और डिफरेंशिएशन की हम बात कर रहे हैं तो आपको निकालना तो क्या है, डी वाई बाय डी एक्स ही हमको निकालना है। क्लियर है? तो कैसे कर रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जैसे कि तीसरा वेरिएबल हमको दे दिया, इसमें सिंपल से एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि एक्स तो दे दिया 80 स्क्वायर और वाई दे दिया ट्वाइस ऑफ 80, जहां पर टी क्या है, एक पैरामीटर है। तो डी वाई बाय डी एक्स आपको जब फाइंड आउट करना है, तो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, पहले टी के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। कैसे, तो यहां से डी एक्स बाय डी टी जब हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ए तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ टी, मतलब इसका डिफिनेशन क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ए टी। और वाई जब हम देख रहे हैं डी वाई बाय डी टी, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जो तीसरा वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में, पैरामीटर के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहां तो 2a बाहर आ गया और t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 हो गया। अब जो कि आपको निकालना क्या है, डी वाई बाय डी एक्स निकालना है, तो वो कैसे फाइंड आउट होगा, आपको क्या करना है, डी वाई बाय डी टी वाली टर्म को डिवाइड करना है डी एक्स बाय डी टी वाली टर्म से। मतलब डी वाई बाय डी टी वाली टर्म डिवाइड कर दी आपने किससे, डी एक्स बाय डी टी वाली टर्म से। तो डी वाई बाय डी टी वाली टर्म कितनी थी, ट्वाइस ऑफ ए, और डी एक्स बाय डी टी वाली टर्म कितनी थी, ट्वाइस ऑफ ए टी। कैंसल आउट हुआ, क्या आंसर आ गया, 1 बाय टी। लेकिन ये तो आया आपके पास फॉर्म डी वाई बाय डी टी एंड डी एक्स बाय डी टी, तो डी टी से डी टी कैंसल आउट हो गया, क्या बच गया आपके पास, डी वाई बाय डी एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स क्या रिजल्ट मिला आपको, 1 बाय टी। क्लियर हुआ? तो जरूरी नहीं है कि टी फॉर्म में दे रखा हमको, थीटा के रेस्पेक्ट में भी दे सकता है पैरामीटर हमें, ठीक है। जैसे आप सर्कल में इसमें लेते थे कि ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, और कॉनिक उसमें एलिप्स के अंदर क्या लेते थे आप, ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा, इस फॉर्म में लेते थे ना। तो थीटा फॉर्म में भी पैरामीटर दे सकता है हमको। तो कैसे कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स दे दिया हमें ए थीटा माइनस कॉस थीटा, और वाई हमें दे दिया ए साइन थीटा, ठीक है। तो अब इसको कैसे कर रहे हैं, तो अब इसमें तीसरा जो वेरिएबल है वो क्या है, थीटा है। अगर आप कांस्टेंट ही मान लेते हैं तो पूरे क्या हो जाएगा, डीएक्स बाय डीटा। ये डीएक्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर कांस्टेंट मान ले तो ये जीरो जा रहे हैं, ठीक है, तो 0 बाय 0 फॉर्म जा रही है। तो थीटा एक वेरिएबल है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है डी वाई बाय डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो यार थीटा एज अ वेरिएबल, तो आप थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो डी एक्स बाय डी थीटा ए एस इज बाहर, तो यहां पर ए तो कॉन्स्टेंट हो गया बाहर आ गया, तो थीटा का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, तो हो गया 1, और माइनस कॉस थीटा का हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा डिफरेंस होता है माइनस साइन थीटा, सॉरी ये हो जाएगा प्लस का साइन थीटा। और वाई आपके पास है तो डी वाई बाय डी थीटा, यहां से क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा,
तो अब आपको पता है कि करना क्या होता है हमको, डी वाई बाय डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बाय डी थीटा वाली टर्म, डी वाई बाय डी थीटा वाली टर्म को डिवाइड कर देंगे किससे, डी एक्स बाय डी थीटा वाली टर्म से। तो डी वाई बाय डी थीटा तो था ए कॉस थीटा, और ये आया आपके पास ए 1 प्लस साइन थीटा, ये आ गया। तो ये थीटा थीटा कैंसिल, यहां तो आ गया डी वाई बाय डी एक्स, ये ए से ए कैंसिल आउट हो गया। तो आपका आंसर तो क्या आया, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर ये ऑप्शन हो सकता है, अगर ये नहीं हुआ तो फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। तो इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म आपने सॉल्व किए थे, क्या कर सकते हैं इसको, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं, कॉस थीटा के तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं कॉस 2 थीटा के, तो कौन सा ले, तो हिंट नहीं मिल रहा है। तो 1 प्लस साइन थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम फॉर्मूला बना सकते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। क्या फॉर्मूला बनाया था याद आया आपको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस के अंदर किए थे हमने, क्या बनाया था, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये टर्म बनाई थी ना हमने। और क्या बनाया था इसको, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, ओवरऑल रिलेशन को। और कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हो ए प्लस बी ए माइनस बी के अकॉर्डिंग। तो डी वाई बाय डी एक्स जो आपके आएगा वाई डैश, वो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बाय 2 माइनस का साइन थीटा बाय 2। और ये फॉर्म थी कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन का थीटा बाय 2, ये ऑप्शन हो सकता है। फर्दर और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो, कॉस एंगल से आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, तो क्या बन जाएगा ये 1 माइनस टेन थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बाय 2। फिर 1 की जगह आप 10 पाई बाय 4 रखते हो इस टाइप से, 10 पाई बाय 4 माइनस का 10 थीटा बाय 2, और ये हो गया 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10 थीटा बाय 2। तो ये ओवरऑल रिलेशन क्या मिल गया आपको कि 10, ये किसका फॉर्मूला बन गया, 10 a माइनस b का फॉर्मूला बन गया ना, क्लियर हुआ। तो y डैश आपने, ये आंसर सही था आपको, लेकिन ऑप्शन के अंदर कुछ भी गिवन हो सकता है, तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए। बस आप ये श्योर होने चाहिए हो कि आपने जो डिफरेंशिएशन किया है वो सही किया है, क्लियर हुआ। आया समझ में आपको, क्या किया इसके अंदर पैरामेट्रिक फॉर्म के, कि जो तीसरा पैरामीटर मतलब तीसरी फॉर्म जो दे रखी है, वेरिएबल दे रखी है, उसके रेस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, और डी वाई बाय डी थीटा वाली मतलब डी वाई वाली डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म को डीएक्स वाली डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म को डीएक्स वाली से डिवाइड कर दिया, डी वाई वाली को, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स इक्वल टू साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कॉस 2t, वाई इक्वल टू कॉस क्यूब टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कॉस 2t, जो कि आपको प्रूव करना है। टू प्रूव दैट वाई डैश मतलब के डी वाई बाय डी एक्स, वाई डैश यहाँ क्या है अपने पास, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू प्रूव करना है माइनस ऑफ कॉट 3t। तो थोड़ा लेंदी है, सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएशन तो आपको पता है किसके रेस्पेक्ट में, थर्ड वेरिएबल क्या दे रखा है हमें, टी दे रखा है, तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां से डीएक्स बाय डी टी जब हम निकाल रहे हैं, यू बाय वी से कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वी एस टीज कॉस 2t एस टीज साइन क्यूब टी का कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का कितना हो जाएगा कॉस टी, फिर माइनस साइन क्यूब टी एस्टेज इंटू कॉस 2t, रूट में है तो रूट का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट कॉस 2t, कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन 2t, और ट्वाइस ऑफ टी का कितना हो जाएगा 2, चेन रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, तो यहां 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, और यू बाय वी के अकॉर्डिंग वी का होल स्क्वायर, तो v क्या था रूट कॉस 2t था, तो ये कॉस 2t हो जाएगा, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो dx बाय dt आपके पास क्या रह जाएगा, इसको मैं एलसीएम लेता हूं तो ये बन गया कॉस 2t, 3 बाहर आया, और ये हो गया
साइन स्क्वायर टी कॉस टी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये रह गया साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t होल डिवाइडेड बाय कॉस 2t, और ये भी रूट फॉर्म भी डिवाइड में आया, तो रूट और सिंगल फॉर्म, तो ये हो जाएगा 3/2। क्लियर हुआ? तो ये तो हमारे पास आया क्या, dx बाय dt। क्लियर हुआ? अब dy बाय dt की हम जब बात कर रहे हैं तो वो क्या आएगा, ये भी इस फॉर्म में दे रखा है, तो dy बाय dt इज इक्वल टू वही यू बाय वी मेथड से करेंगे, तो अंडर रूट ऑफ कॉस 2t एज इट इज, इसका हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी, और कॉस टी का हो जाएगा माइनस का साइन टी, फिर माइनस कॉस क्यूब टी एज इट इज, और इसका हो जाएगा 1/2 रूट कॉस 2t, और कॉस 2t का हो जाएगा माइनस का साइन 2t, और 2t का हो जाएगा 2, जो कि यहां कैंसिल आउट हो रहा है, और होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा कॉस ट्वाइस ऑफ टी, रूट टी का इसको मतलब रूट अंडर रूट ऑफ कॉस 2t का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। इसमें भी एलसीएम लेके मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो टर्म क्या बच रही है, ये आ गया माइनस साइन भी बाहर रहेगा, तो माइनस का 3 कॉस 2t कॉस स्क्वायर टी साइन टी, या माइनस माइनस प्लस हो गए, या आपके पास ये हो जाएगा आपके कॉस क्यूब टी, और ये हो गया साइन 2t, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए ना, और होल डिवाइडेड बाय ये आपके पास टर्म बन जाएगी कॉस 2t का पावर 3/2। क्लियर हुआ? यहां तो कॉपी कीजिए आप इसको पहले, फिर आगे करते हैं इसको सॉल्व। किया कॉपी आपने, तो आप देखिए ये आपके पास आया था dy बाय dt, ये आपके पास क्या आया था dy बाय dt, और dy बाय dx निकालने के लिए आपको क्या करना है, dy बाय dt को डिवाइड करना है dx बाय dt से, तो ये टर्म तो हम हटा देते हैं एक बार, ये तो कैंसल आउट हो जाएगी, ठीक है, तो बचेगी क्या टर्म वो लिख लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, dy बाय dt टर्म को डिवाइड कर दिया dx बाय dt से, तो डिवाइड वाली टर्म तो सेम थी वो तो काट गया, तो यहां तो बच रहा है dy बाय dx के अकॉर्डिंग क्या टर्म बच रही है, माइनस 3 cos 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी साइन 2t, ठीक है, अब ये साइन 2t जो है इसको भी आप एक्सपेंड कर लो, इसको लिख लो 2 sin t cos t, ये लिख लेते हैं होल डिवाइड, अभी कॉस 2t को मत लिखिएगा, फिर ये तो आगे इस टर्म के लिए, इसके लिए लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा 3 cos 2t sin² t cos t प्लस साइन क्यूब टी, और साइन 2t को हो गया 2 sin t cos t, ये टर्म बन गई, तो इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो ले लेते हैं हम, लेकिन कॉमन तो बहुत कुछ आ जाएगा, जैसे यहां से कॉस स्क्वायर कॉमन आ रहा है, साइन भी कॉमन आ रहा है, और नीचे से देख रहे हैं तो साइन स्क्वायर और कॉस कॉमन आ रहा है, लेकिन इस टाइप से कॉमन लीजिए जो कैंसिल आउट हो सके, तो जैसे कि एक साइन हम ले रहे हैं तो नीचे से भी साइन लेके कैंसिल आउट हो रहा है, एक कॉस लेते हैं तो ये कॉस लेके यहां ऊपर से तो कॉस ले लिया, और यहां से कॉस लेके ये कॉस कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, तो कैंसिल आउट टर्म यही थी हमारे पास जो कि कॉमन लेके कट गई, अब जो रिमेनिंग टर्म है उसको लिखते हैं, तो क्या टर्म बच रहा है, तो dy बाय dx इक्वल टू -3 cos 2t, और ये cos स्क्वायर टी था, अब क्या बच गया cos t प्लस ये आपके पास हो जाएगा 2 cos क्यूब टी,
होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या बच रहा है, 3 cos 2t, एक साइन बच रहा है यहां पर आपके पास, तो साइन टी प्लस ये आपके पास बच रहा है साइन क्यूब टी, और 2 भी बच रहा था आपके पास, बाकी टर्म कैंसल आउट हो गई। क्लियर हुआ? आप क्या कर रहे हैं, आप इसके अंदर हम आप देखिए अब कॉस 2t की वैल्यू रखते हैं, लेकिन कॉस 2 के तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं कॉस 2t का, तो कौन सा फॉर्मूला लिखें? तो ऊपर तो मोस्टली फॉर्म किसमें, कॉस में चल रही है, तो इस कॉस 2t को भी कॉस की फॉर्म में ही ओपन करो, और नीचे कॉस 2t को नीचे साइन फॉर्म में चल रहा है, तो इस कॉस 2t को हम किसमें ओपन करते हैं, साइन में ओपन करते हैं। तो क्या टर्म बन जाएगी, माइनस 3 कॉस 2t का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉस क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस का 1, ये कॉस टी एज इट इज है, प्लस का 2 कॉस क्यूब टी होल डिवाइडेड बाय यहां 3 कॉस 2t को हम कर रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ये साइन टी है हमारे पास 2 साइन क्यूब टी, इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 6 कॉस क्यूब टी, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो गए तो प्लस का 3 कॉस टी, और ये आपके पास एस टी जेड 2 कॉस क्यूब टी होल डिवाइडेड बाय यहां से देखिए 3 साइन टी, और माइनस का 6 साइन क्यूब टी हो जाएगा, और प्लस का 2 साइन क्यूब टी आ जाएगा। तो क्या टर्म बच रही है, माइनस 6 कॉस क्यूब टी और प्लस का 2 कॉस क्यूब टी, तो क्या बच रहा है, ये तो लिख देते हैं प्लस वाली टर्म 3 कॉस टी माइनस का 4 कॉस क्यूब टी डिवाइडेड बाय नीचे जब देख रहे हैं तो 3 साइन टी, तो ऐसे लिखा हमने, माइनस का ये भी कट जाएगा तो क्या बच रहा है, माइनस का 4 साइन क्यूब टी। तो नीचे वाली टर्म तो क्या फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। तो डिनोमिनेटर टर्म में तो बन गया आपके पास क्या, साइन 3 थीटा, मतलब थीटा क्या है यार, टी है, तो साइन 3 टी बन गया, बट कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा, तो यहां माइनस साइन इंटरचेंज है, तो हम क्या लेते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, अब बन गया 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा, ये किसका बन गया, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला, बट किसमें, माइनस में, तो ये बन गया कॉस 3t। अब एंगल सेम है तो कॉस 3t अपॉन साइन 3t, और माइनस बाहर है तो माइनस का कॉट 3t, और यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर हुआ आपको, यही आपको प्रूफ करना था, तो क्लियर हुआ कि हमने कॉमन लास्ट यहां जाके हमने देखा कि कौन से फॉर्मूले को एक्सपेंड करना चाहिए कि प्रूफ जो हमने दे रखा है या ऑप्शन में इस टाइप से दे रखा है वो हमें सॉल्व हो सके। क्लियर हुआ कि किस टाइप से इजी रहेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पास आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा लेकिन फिर भी ऑप्शन लाने में हमें थोड़ी दिक्कत होगी, तो ध्यान रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाय टू, और y इक्वल टू है a साइन t, तो वही आपको dy बाय dx निकालना है, निकालना हमको क्या है, वही dy बाय dx पैरामीटर फॉर्म दे रखा है, t इज अ पैरामीटर, थर्ड वेरिएबल है, तो क्या कर रहे हैं, मेन डिफरेंशिएशन इसका ही है, वो तो इजी है, तो इसका डिफरेंशिएशन विद सिंप्लीफिकेशन फॉर्म कैसे होगा, dx बाय dt इक्वल टू a कोफिशियंट था बाहर आ गया cos t का हो गया माइनस का sin t प्लस log tan t बाय टू, तो log t का कितना होता है 1 बाय t, तो 1 अपॉन t, t था कितना tan t बाय टू, फिर tan x का अगर हम बात करते हैं मतलब tan t, t के रेस्पेक्ट में चल रहे हैं, तो tan t का क्या हो जाएगा डिफिनेशन sec स्क्वायर t बाय टू, अब t बाय टू को हमने t अज्यूम कर रखा था तो कितना हो जाएगा 1 बाय 2। क्लियर हुआ, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं क्या हो जाएगा, ये तो ए एस टीज है
माइनस का साइन टी प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, ये टू तो हमने ले लिया बाहर, टेन टी टू बाय टू को लिख दिया साइन टी बाय टू, ये हो गया कॉस टी बाय टू, सेक स्क्वायर टी बाय टू को लिखा वन अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाय टू, तो ये कॉस टी बाय टू और एक टर्म कट गई, तो अब क्या फॉर्मूला बन रहा है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, क्या फॉर्मूला होता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला। तो इसको आपने क्या लिखा, ए एस टी भार है, माइनस का साइन टी प्लस वन अपॉन टू साइन थीटा कॉस थीटा, क्या होता है साइन टू थीटा, तो साइन ट्वाइस ऑफ टी बाय टू, तो टू से टू कट गया, क्या बचेगा साइन टी, क्लियर हुआ। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ रहा है, ये टर्म यहां आ जाएगी एलसीएम लेके, तो क्या बचेगा वन माइनस साइन स्क्वायर टी होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा साइन टी, ये साइन स्क्वायर टी हो जाएगा ना, और देखते हैं तो क्या हो जाएगा इसको, वन माइनस साइन स्क्वायर टी कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, मतलब डिफ्रेंशिएट करने के बाद जितने सिंपलेस्ट फॉर्म में आप ला सकते हैं वो लेकर आइए, उससे आपका इजी जो आंसर लाना है हमको वो इजी रहेगा। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है dx बाय dt a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, और dy बाय dt निकालना तो वैसे इजी हमारे लिए ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, तो dy बाय dt कैसे निकल जाएगा, a एस टी बार साइन t का हो जाएगा cos t, और आपको जैसे कि निकालना है dy बाय dx, तो dy बाय dx कैसे निकलेगा, dy बाय dx निकल रहा है dy बाय dt वाली टर्म, मतलब कि a cos t डिवाइडेड बाय dx बाय dt वाली टर्म, मतलब कि a cos स्क्वायर t डिवाइड बाय sin t, जो कि ऊपर चल जाएगा न्यूमरेटर फॉर्म में sin t, तो ये a से a कैंसिल आउट, a cos से cos कैंसिल आउट, तो sin t बाय cos t कितना आ जाएगा tan t, क्लियर हुआ। तो dy बाय dt निकालना तो हमारे लिए इजी था, दिक्कत थी सिर्फ dx बाय dt, दिक्कत भी नहीं लेकिन थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना था, क्लियर हुआ किस टाइप से हम आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब कि x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो dy बाय dx निकालना है, पैरामेट्रिक फॉर्म में देखा है थीटा इज द थर्ड वेरिएबल, तो कैसे निकाल रहे हैं dx बाय d थीटा a s इस बार cos थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा हो गया, और थीटा इंटू साइन थीटा को आप किससे करेंगे प्रोडक्ट रूल, तो कॉस थीटा का तो हो गया माइनस साइन थीटा, और थीटा इंटू साइन थीटा यू इंटू बी के अकॉर्डिंग थीटा एस टी साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस साइन थीटा थीटा का हो गया वन, ये टर्म हो गई जैसे साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गए, तो ओवरऑल रिलेशन हमें क्या मिला ए थीटा इंटू कॉस थीटा, और वाई अगर वाला कर रहे हैं हम तो ये dy बाय d थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का तो हो गया कॉस थीटा माइनस u इंटू वी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं थीटा एस टीज कॉस थीटा का होता है कितना माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गए, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा, फिर प्लस आता बट ऑलरेडी बाहर क्या है साइन माइनस है, तो कॉस थीटा और साइन थीटा का कितना हो जाएगा वन, ये टर्म रहेगी यहां से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्लियर हुआ। तो हमारे पास टर्म क्या बच रही है थीटा इंटू साइन थीटा, तो dy बाय dx क्या निकलेगा dy बाय d थीटा, मतलब के थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय d थीटा, मतलब के a इंटू थीटा इंटू यहां थीटा भी था सॉरी ये था थीटा ऑलरेडी थीटा इंटू कॉस थीटा, तो थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गया साइन थीटा, और तो वन अपॉन ए ये क्या हो जाएगा टेन थीटा, क्लियर हुआ। क्या किया इसके अंदर हमने, इजी क्वेश्चन था, और लेते हैं क्वेश्चन इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, आपको प्रूफ करना है कि देन प्रूव दैट y डैश इक्वल टू माइनस का y बाय x, तो कैसे प्रूव कर रहे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है, तो क्या करें
डीएक्स बाय डी टी, इसको रूट टी बोलते हैं, तो क्या हो गया, वन अपॉन टू रूट टी। टी एक्चुअल में है क्या, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, फिर ए टू द पावर साइन इनवर्स टी को टी माना है तो मल्टीप्लाई में इसका डिफिनेशन, तो ए की पावर टी का क्या हो जाएगा, ए की पावर टी, टी एक्चुअल में है कितना, साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए, ए की पावर एक्स क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए, उसके अकॉर्डिंग किया, फिर साइन इनवर्स टी को आपने टी माना था तो साइन इनवर्स टी का क्या हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन के अकॉर्डिंग ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है, तो क्या बच रहा है, डीएक्स बाय डी टी आपके पास क्या आ रहा है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे लिए इजी रहता है, ए साइन इनवर्स टी लॉग ऑफ ए होल डिवाइड बाय टू, ये कट जाएगा ना इससे, इसलिए रूट रह गया ये वन माइनस टी स्क्वायर, ये टर्म रह गई, ये तो आ गया हमारे पास क्या, डीएक्स बाय डी टी। नेक्स्ट है डीवाई बाय डी टी को भी हम इसी टाइप से सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू रूट टी ए की पावर कॉस इनवर्स टी, फिर ए की पावर टी का क्या हो जाएगा, ए की पावर टी जो कि है कॉस इनवर्स टी लॉग ए, फिर कॉस इनवर्स टी को हमने टी माना था तो कॉस इनवर्स टी का हो जाएगा माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर। तो सिंप्लीफिकेशन के अकॉर्डिंग ये कैंसिल आउट हो जाएंगे रूट टाइम्स, तो डी वाई बाय डी टी आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ माइनस साइन भी बाहर ले लेते हैं, ए कॉस इनवर्स टी लॉग ए होल डिवाइड बाय टू रूट वन माइनस टी स्क्वायर, ये टर्म आ गई। अब आपको निकालना क्या है, डी वाई बाय डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाय डी टी वाली टर्म को डिवाइड कर देंगे डीएक्स बाय डी टी वाली टर्म से, तो देखिए ये टर्म तो कैंसिल आउट हो रही है, सेम टर्म थी और ये टर्म भी कैंसिल आउट हो रही है, तो बच क्या रहा है डी वाई बाय डी एक्स में, डायरेक्ट कर दिया ना हमने, डायरेक्ट कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है अब तो डी वाई बाय डी एक्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म तो ये बच रही है माइनस का अंडर रूट ऑफ ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, और डिवाइड में ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, या गया आपका आंसर तो, लेकिन प्रूफ में क्या पूछा है, माइनस का वाई बाय एक्स, तो वाई बाय एक्स भी आपका ऑलरेडी आ चुका है, ये क्या है वाई है और ये टर्म क्या है एक्स है, क्लियर हो गया आपका प्रूफ। तो आपने अगर सही से डिफरेंशिएशन किया है और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला रखा है तो ऑप्शन में कुछ भी हो हम उसको रीअरेंज कर सकते हैं, बस फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपने डिफरेंशिएशन जो किया है वो सही से सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आपने किया हो तो फटाफट हमारा ऑप्शन जो है हम ला सकते हैं, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस टी माइनस कॉस टू टी, वाई इक्वल टू टू साइन टी माइनस साइन टू टी है, और आपको वाई डैश फाइंड आउट करना है एट टी इक्वल टू पाई बाय फोर। तो ऑलरेडी आपने स्ट्रेट लाइन कॉनिक सेक्शन में इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे कि हमने डिफरेंशिएट करके जो पॉइंट दे रखा था वो पुट कर देते थे टेंजेंट फॉर्म में, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे आपने, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो करते हैं। तो ये वापस वही थर्ड वेरिएबल क्या है, टी है, अब तो आप कर सकते हैं, करिए स्पीड में, मुझसे पहले करिए, आंसर बताइए कितना आएगा, बाकी मैं इधर करता हूं, जिसको नहीं आ रहा वो इधर देखिए। तो डीएक्स बाय डी टी टू एस टी कॉस टी का हो जाएगा माइनस का साइन टी, माइनस कॉस टू टी का हो जाएगा माइनस साइन टू टी इंटू टू, ठीक है, ये तो हो गया इसके लिए, और डी वाई बाय डी टी के लिए हो गया हमारे पास टू कॉस टी, और ये हो जाएगा माइनस का टू कॉस टू टी, क्लियर हुआ, ये टर्म बन गई। अब क्या करें कि डी वाई बाय डी एक्स निकालने के लिए, वैसे तो इजी आ गया, तो डी वाई बाय डी टी तो आपका निकल चुका है और डी एक्स बाय डी टी भी है, तो अब डी वाई बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, टू कॉमन लेके कॉस टी माइनस का कॉस टू टी हो जाएगा, और यहां पर डिवाइड फॉर्म में टू कॉमन बाहर ले लेते हैं तो ये रह गया माइनस का साइन टी और प्लस का साइन टू टी,
टू से टू कैंसिल आउट, तो ये डिफरेंशिएशन कर लिया। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कि कॉस टू को कॉस की फॉर्म में, साइन टू थीटा को साइन की फॉर्म में लेके कॉमन लेके कुछ टर्म बन पा रही है। बट इजली फॉर्म में हमसे पूछा है कि एट टी इक्वल टू पाई बाय फोर, तो मतलब ऑप्शन में भी कॉन्स्टेंट फॉर्म ही होगी, तो हम डायरेक्ट ही कर देते हैं। तो डीवाई बाई डी एक्स एट टी इक्वल टू पाई बाय फोर, तो कॉस पाई बाय फोर, इसको हम लिख देते हैं कॉस पाई बाय फोर माइनस साइन टू टी। तो यहां टी जगह पाई बाय फोर रखूंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, कॉस पाई बाय टू बन जाएगा ये, तो होल डिवाइड बाय माइनस का साइन पाई बाय फोर यहां रख रहा हूं, तो ये प्लस का साइन पाई बाय टू बन जाएगा ये, तो क्लियर हुआ। तो क्या बन रहा है, कॉस पाई बाय फोर कितना होता है, वन बाय रूट टू माइनस का ये जीरो हो गया कॉस पाई बाय टू, होल डिवाइड बाय साइन पाई बाय, ये चलो साइन पाई बाय फोर रख रहे हैं, तो ये हो गया माइनस का वन बाय रूट टू, और साइन पाई बाय टू की वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, वन बाय रूट टू तो हमारे पास बाहर आ गया, और इसको एलसीएम लेके जब सॉल्व कर रहा हूं तो रह गया रूट टू माइनस वन, और ऊपर चल जाएगा क्या, रूट टू ऊपर चल जाएगा एलसीएम लेके, जो टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो आंसर क्या है आपका, वन अपॉन रूट टू माइनस वन। तो डिनोमिनेटर में रूट फॉर्म रखते नहीं हम, तो हम क्या कर रहे हैं इसको रेशनलाइज कर ले, तो रूट टू प्लस वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड आपने जब किया, ये आपके पास रूट टू माइनस वन भी है, तो ऊपर रूट टू प्लस वन है, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग टू माइनस वन बना, और टू माइनस वन कितना हो जाएगा वन, तो ओवरऑल रिजल्ट आपके पास क्या मिला, रूट टू प्लस वन। तो क्लियर हुआ आपको किस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं हम पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर, क्लियर हुआ कैसे क्वेश्चन आएंगे और क्या वैल्यूज पुट करनी है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म इजी था, क्लियर हुआ। इसमें आपसे इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस वन विथ रेस्पेक्ट टू अपन जैसे अभी साइन अपन डिफरेंशिएट कर रहे थे एक्स के रेस्पेक्ट में, आप या फिर आपको इस टाइप से देते कि डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन विथ रेस्पेक्ट टू ए टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो अभी तक आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे आ रहे थे या वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं या टी के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, तो इसमें भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं, जिसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोला है उसको आप ले लो यू, ठीक है, और जिसके रेस्पेक्ट में करने के लिए बोला है उसको आप बोल दो वी, ये अज्यूम कर लो। अब पैरामेट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लो, जैसे x इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ t था, y इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ t था, बट इधर क्या है u इन टर्म्स ऑफ x, v इन टर्म्स ऑफ x, निकालते क्या थे आप dy बाय dx, तो यहां आपको क्या निकालना है du बाय dv, तो du बाय dx निकाल लीजिए आप विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा 2x, dv बाय dx निकाल लीजिए आप विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा e की पावर x, तो du बाय dv कैसे आ जाएगा, दिस डिवाइड बाय दिस, मतलब du बाय dx डिवाइड बाय दिस, तो क्या हो जाएगा 2x डिवाइड बाय e की पावर x, क्लियर हुआ। इस टाइप से ही करना है आपको, तो ध्यान रखिएगा डिफरेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू e टू द पावर x, तो आपने कैसे किया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग कि डिफरेंशिएट अपन लेते हैं इसको, क्लियर हुआ ये कॉपी कर लीजिए। डिफरेंशिएट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएट करना है और किसके रेस्पेक्ट में कर ले विथ रेस्पेक्ट टू ई टू द पावर कॉस एक्स, तो वही आप जैसे पैरामेट्रिक फॉर्म में करते हुए आए थे वैसे ही कर लीजिए। आगे मैं आपको इस फॉर्म में नहीं बता रहा कि डिफरेंशिएट ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू ई टू द पावर कॉस एक्स, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रहा हूं। तो आप इसको क्या करें, इसको तो ले लेते हैं यू और इसको आप क्या अज्यूम कर लेंगे वी, तो क्या हो जाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म बन गई अब आपकी ये, तो डीयू बाय डीएक्स क्या हो जाएगा टू साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, आप इसको साइन टू एक्स भी बोल सकते हैं,
और यहाँ हो जाएगा डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, कितना होता है ए टू द पावर एक्स और कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, तो डी यू बाय डी एक्स डिवाइड बाय डी वी बाय डी एक्स जो कि सॉल्व होके आपके पास बन जाएगा डी यू बाय डी वी, कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो डी यू बाय डी एक्स कितना था टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल डिवाइड बाय ये टर्म क्या थी ई टू द पावर कॉस एक्स माइनस साइन बार साइन एक्स, तो कैंसिल आउट हो गया, क्या टर्म बन गई माइनस टू कॉस एक्स ई टू द पावर माइनस का कॉस एक्स, इस टाइप से लिख सकता हूं क्या मैं इनवर्स फॉर्म में लिखा सकता हूं ना ऊपर, या आप नीचे भी रहने दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो सब डिपेंड कर रहा है कि ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है। तो क्लियर हुआ, इस टाइप के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं आप, वो आपसे।